नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान साथियों, आज जो टॉपिक है वो है जो मक्का है। अभी आप देखोगे जैसे कि चारों तरफ हमारे मक्का खड़ी हुई है, और अभी क्या है कि हमारे यहाँ जो मक्का की बुवाई हुई थी वो लेट हुई थी। तो लेट होने के कारण क्या हुआ था, अभी भुंटा निकला है, मतलब अभी दाना नहीं पड़ा है, अभी भुंटा निकला है। तो इस सिचुएशन में हमें ऐसी कौन कौन सी खाद देनी चाहिए जिससे हमारा भुंटा जो दाना एकदम भरा हुआ आए और प्रोडक्शन हमारी पूरी आ जाए। क्योंकि यहीं पे किसान ज़्यादातर गलती करता है कि जब हमारा भुंटा निकलता है, एक तो हमें उस समय डोज देनी चाहिए, फिर जब भुंटा निकल जाए और उसमें दाने बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं तो ये पूरा प्रोसेस मुश्किल से 15-20 दिन का ही होता है मक्के के अंदर। क्योंकि ये दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती है। आज अगर आप देखोगे तो इसमें दाना नहीं है, कल आप देखोगे दाने हैं, दो दिन बाद अगर आप देखोगे तो टाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से मक्का जो है वो दिन और रात बढ़ती है। तो मक्का के सर्कल में हमें ऐसा वेट नहीं करना होता कि 15 दिन बाद देंगे या 10 दिन बाद देंगे या हफ्ते बाद देंगे। इसमें सबसे पहले जिस टाइम बाली निकलती है और भुंटा का निकलना स्टार्ट हो जाता है, उसी समय हमें बहुत तगड़ी डोज देनी चाहिए। क्योंकि ये हाइब्रिड मक्का होती है, तो हाइब्रिड मक्का में जितनी आप ज़्यादा डोज दोगे उतना ही ले सकते हो। आप सोचो ये देसी मक्का तो है नहीं, नॉर्मली आप ये इसको कर लो और ये आपको अच्छी पैदावार दे दे, वो नहीं देगी। इसको जितना खिलाओगे उतना ही ये देगी आपको। तो अभी मैंने जो पीछे डोज दी थी वो मैंने इसमें लगभग, एक हमारा खेत है जिसमें मक्का खड़ी हुई है, आज उसमें सिंचाई फिर देने जा रहे हैं लगभग 8-10 दिन बाद। तो जो पीछे मैंने डोज दी थी जिस टाइम भुट्टा निकल रहा था, मतलब बाली निकल रही थी उसकी, उसी टाइम मैंने जो है उसमें 2 बोरी यूरिया और हमारे यहाँ फेरस सल्फेट आता है वो मैंने 10 किलो 1 एकड़ का दे दिया। अब आज इसका अगला पानी लगने वाला है। अब अगले पानी में क्या सिचुएशन है मैं आपको इधर से दिखाता हूँ कि जो भुंटा है सर, ये इस सिचुएशन में ये देखो निकल ही रहा है, अभी ये निकलने वाला है। ये थोड़े पेड़ कमजोर हैं, ये देखो। अब इसमें क्या है कि ये जो दाना है ये देखो, ये देखो ये आप देख रहे हैं, ये दाना इसमें पड़ रहा है, अभी पूरी तरीके से पड़ा नहीं है। और इस दाने को अगर हम ऐसे निकालेंगे तो ये पूरा इसमें अभी दूध ही दूध है, ये इस तरीके से इसमें अभी पूरा दूध ही दूध है। तो इस सिचुएशन में क्या है, अगर हम इसमें बेसल डोज है भी नहीं देंगे तो इस सिचुएशन में ये दाना कभी भी मोटा नहीं होगा, आपकी प्रोडक्शन इसमें आधी होने वाली है। तो अब इसमें क्या क्या देना है वो इसमें, जैसे पहले मैंने आपको दिखाया था कि मैंने एक ऐसा जुगाड़ बनाया है जो ड्रिप, जो बेंचुरी लोग लगाते हैं, बेंचुरी का खर्चा ज़्यादा आता है इसमें, मुश्किल से 1000 रुपये का टोटल खर्चा आता है और ये आपकी परमानेंट जुगाड़ बन जाती है। जैसे आप देख रहे हैं ये मैंने देखो कनेक्शन दे दिया इसका, ये हमने कनेक्शन दे दिया, यहाँ से अभी हम लाइन जोड़ने वाले हैं और ये देखे, और ये हमारी देखो मोटर रखी हुई है, मोटर रखे, ये हमने देखो पाइप लगा दिया है। अब पाइप में ये मैंने देखो एक ईंट बांधी है, क्यों बांधी हुई है कि जब हम इसको इसमें डुबाएंगे, ये मैंने मच्छरदानी की जाली इसमें लगा दी है जिससे कोई भी मोटा कचरा इसके अंदर ना जाए जो कि मोटर को दिक्कत हो जाए, इसीलिए हमने इसमें मच्छरदानी की जाली लगाई है। आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी, पुरानी मच्छरदानी पड़ी होगी उसकी आप जाली लगा दो और इसमें डाल देंगे। तो ये तो हमारा बेंचुरी सिस्टम से चलता रहेगा। अब आते हैं बेसल डोज में। तो सबसे पहले हमने 1 बोरी ये यूरिया की इसके अंदर देखो डाली हुई है, ये है हमारे यहाँ जेपी चांद वाली यूरिया है, 1 बोरी हमने ये डाल दी इसमें खोल के। दूसरे हमने माइक्रोन्यूट्रन की पूर्ति के लिए हमने ये डाला, हमारे यहाँ एक दबंग नाम से आती है और एक ये ताकत नाम से आती है। इसके अंदर जैसे कि आप देख रहे हैं ये माइक्रोन्यूट्रन का मिक्सर होता है, तो इसमें कैल्शियम 15-18% है, मैग्नीशियम 0.8-1 मतलब 1.5% है, सल्फर 15-18% है, इसी तरीके से इसमें जिंक, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, बोरान एवं सूक्ष्म पोषक तत्व, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास सारे तत्व इसके अंदर अवेलेबल है। तो 1 बोरी 30 किलो की हमने ये इसमें डाली हुई है। अब आप इसमें देख रहे होंगे ये काला काला क्या है, तो ये जो काला काला है वो अग्निहोत्र भस्म है जो हम सॉइल को पॉजिटिव करने के लिए डालते हैं, ये डाल दी हमने। अब हमारे पास क्या है, ये 0.5 लीटर जो है हमारे पास है लिक्विड वाला DAP, ये 11 कंपनी का है, ये 11 बीटा, ये आप देख सकते हैं इसमें 11 बीटा सेनफॉस, ये टोटल DAP का घोल है इसमें,
इसमें आधा लीटर ये मिक्स करके डीएपी का घोल डाला जाएगा। वैसे येलो सा कलर का ये निकलता है। जो हम डीएपी डालते हैं 1700-1800 रुपए की डाल रहे हैं, उससे ज़्यादा ये वेस्ट है। आधा लीटर का ये मात्र 600 रुपए में मिलता है और ये एक एकड़ के लिए लिक्विड भी है। दूसरा, इसके जो रासायनिक तत्व हैं वो बहुत ही कम हैं, ये तकरीबन बायो में आ जाता है। रासायनिक तत्व की इसमें घर्षण कम होता है, तो इसीलिए ये ज़्यादा बेनिफिट देता है। इसकी कॉलोनी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ये आप देखोगे इस तरीके से, ये येलो के तरीके का ये, तो 500 ml हमने इसको डाल। अब इसमें हमने क्या क्या डाला, यूरिया डाली है, सूक्ष्म पोषक तत्व के लिए हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट डाला है और डीएपी डाले। अब ये हमारी पूरा हो गया संपूर्ण घोल। अब इसको हम डंडे से इसको हिला के अच्छे से घोलेंगे और घोलने के बाद ये जो मैंने आपको जुगाड़ दिखाया है इसको डाल देंगे और ये हमारी बिजली के साथ ही ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिस समय आपको ये ध्यान रखना है कि भुंटा मैच्योरिटी पे आए, जिस समय मक्का का दाना स्ट्रॉन्ग पकने की कगार पे, मतलब दूध से वो पाउडर बनने की स्थिति में आए, क्योंकि जितना ज़्यादा पाउडर होगा उतना अच्छा प्रोडक्शन होगा। अगर पाउडर ही नहीं होगा तो उस दाने का क्या फ़ायदा। तो ये आपको संपूर्ण अगर आप मिक्सर डालते हो तो आपकी मक्का में बम्पर पैदावार होने वाली है, क्योंकि जो ये बैसाख वाली मक्का होती है डिकाल वगैरह, ये हाइब्रिड है, ये बहुत ज़्यादा डोज मांगती है। ये देसी मक्का नहीं है कि थोड़ा सा इसमें कर दिया और ये हो जाएगी। तो ये अगर जानकारी आप लोगों को ज़्यादा पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।